के बसते हैं और आपको पता ये जो बाइडन आप कैसे कह सकते हम कह सकते हैं ना ये मुल्क नहीं है हम गुलाम है हम सबके बाप हैं बातों में नहीं हकीकत में है किधर हकीकत में इतने बड़े बाप होते तो आज पाकिस्तान तरक्की कर गया होता वो उनमें प्यार जरूर है उनमें मजहब नहीं है इन आखिर तक आखिरी इमाम आना है तो फिर भी सलाम आना है ये कौन सा मजहब है लड्डू खाई जा रहा पुतला लड्डू खाई जा रहा है आप किसी के मजहब पे बात ना करें हमारे नबी ने फरमाया था कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो एवस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे आप तो यहाँ पर मजहब की बात कर रहे हैं मैं तो यहाँ पर मुल्क की बात करने आया इकोनॉमी की बात करने आया हूँ आप तो कह रहे मेरे साथ बात करो 50 साल मेरी उम्र है आपसे समझदार तो आज का बच्चा बातें करते हैं जी तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ ना माता है अगर इंसान अल्लाह की तरफ आ जाए जो हज करते हैं लोग उसके बाद आगे हज करके आगे हज जैसे जो पहले काम किए ना वो ना करे जो अल्लाह के पास हो के आ गया है यार ऐसे आप ना आप आपकी ये जो सोच है ना हम इसीलिए मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों की वजह से भी आगे नहीं बढ़े पाकिस्तान अभी बहुत पीछे आप जैसी सोच के बाद जी क्या कहना चाहेंगे थोड़ा आगे आए खान साहब आगे आए खान साहब एक मिनट बात सुने क्या कहना चाहेंगे आप कि पाकिस्तान के ये हालात है हम हिंदुस्तान के साथ आज तल्लुकात खत्म करके बैठे हुए क्या लगता है कि आपको हमारा दुश्मन हिंदुस्तान है या हमारे दुश्मन हम खुद बने हुए हम खुद बने हुए कैसे हम अपने हालात ठीक करेंगे क्या हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर कर रहे हैं आज हमारा सारा जो लीड कश्मीर जाओ लंगर खा के आ जाओ अब ये लंगर जाओ कह रहे तुमने बड़ा दुख की बात की है सामने कश्मीर लेने जाना है कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो मैं गौर से मेरी मैं हासा और मजाक नहीं करता ना नशा किया हुआ है किसी को यकीन आता है या नहीं आता जिस दिन मेरे कदम भी देख लो ये देखो एक जगह पे है मैं क्लियर हो गया हूँ ठीक है बताएं ऑर्डर दें मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है चलो आओ लेके आते हैं कश्मीर आ जाओ आ जाओ चले भाई क्या कह रहे अजमल कसाब बन के जाना तुसी आगे आओ जरा ये इनकी बातें आपको पसंद आ रही अजमल कसाब बन के जाओगे पाकिस्तान दे भाई ते ते फिर तुसी तुसी चले जाओ 9 लाख फौज है ओदी 9 लाख के तो होएगा तो मैं लेके आवांगा 1 करोड़ आबादी ओदी चार जंगे लड़ी हमने हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के लिए या उधर मिसाइल के लिए भी कारगिल के लिए भी नुकसान किसको ज्यादा उठाना पड़ा और नुकसान कुछ भी नहीं है मौला मेरा फरमाता आज भीख मांगने पे आ गए कटोरा लेके वजीराजम हमारा वजीराजम जा रहा कटोरा लेके मुलक मुलक में कह रहे कि नुकसान नहीं हुआ बताएं इसे जरा नुकसान नहीं नुकसान का मैं बताता हूँ मेरे पास सारा कुछ है मैं जवाब ना दूंगा तो फिर बात करना मेरा मौला फरमाता है मेरा मौला फरमाता है मैंने उसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है उसने कहा तेरे घर में कुछ नहीं है उसने कहा अभी भी सोच लो उसने कहा देख के आओ देखा उन्हें क्या कुछ नहीं है उन्हें क्या मेरी मोहब्बत है तू मेरी मोहब्बत लुटा दे और मैं तुम्हें दुनिया का खजाने लुटा दूंगा ये यहूदियों की जैसे इसकी बात की कोई समझ आई है कोई समझ नहीं आ रही यहूदी लॉबी के आपका तनाजा क्या है आप किस चीज पर बात करना चाहते हैं मैं बात ये करना चाह रहा हूँ हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं हमारे सबसे पहले बात तो ये है कि हमारी कौम ठीक नहीं है ये आप बताएं इस तरह के माइंडसेट हमारे पास होंगे माशाल्लाह से जो पता नहीं बात किधर से किधर को लेके जा रहे हैं कोई बात की पता ही नहीं है सर कहाँ पे पाँव कहाँ पे हम तरक्की करेंगे सर मैं माजरत वो ना बूढ़ा है और बच्चों का नहीं इधर मेरी तरफ इधर देव इधर देव मेरी तरफ सीधा मेरे लिए तेरे चाहगा मेरे लिए ठीक है देखा उनको।